हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर रश्मि दुबे फ्रॉम डॉक्टर पॉस एडवांस हेयर एंड स्किन सॉल्यूशन। आज हम बात करेंगे कोविड 19 के बाद होने वाले कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, या कोविड 19 के दौरान होने वाले कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जो कि आपके हेयर और स्किन से संबंधित हैं। तो आइए आज इन पे चर्चा करते हैं। कोविड 19 के दौरान या कोविड 19 के बाद भी, कोरोना हुए 2 से 3 महीने हो चुके हैं, फिर भी हम देख रहे हैं कि क्लिनिक में कुछ पेशेंट्स कुछ कंप्लेंट्स को लेके बार बार आ रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आज हम इस विषय पे चर्चा करें, जिससे कि आप लोगों की इससे जुड़ी हुई जो भी समस्याएँ हैं उनको हम दूर कर सकें। तो सबसे पहली प्रॉब्लम स्किन से रिलेटेड जो हमको बहुत फ्रिक्वेंटली देखने के लिए मिलती हैं कोविड के ड्यूरेशन में भी या कोविड के बाद भी, वो है स्किन रैशेस की प्रॉब्लम। स्पेशली जो भी हमारे फ्लेक्सुरल एरियाज हैं, लाइक ग्रोइन एरियाज, इनर आर्म्स, इनर थाइज, बटक एरिया, टमी एरिया, इस पे रैशेस देखे जा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला सॉल्यूशन ये है कि आप किसी थिक मॉइस्चराइज़र का एप्लीकेशन करें उन जिस भी आपके फ्लेक्सुरल एरियाज, जहाँ पे भी आपको रैशेज आए हैं वहाँ पे। और इसके बाद भी अगर कोई थिक मॉइस्चराइज़र लाइक कोका बटर, सेटाफिल, ये यूज़ करने के बावजूद भी अगर आपके रैशेज दूर नहीं होते हैं, तो बेटर है कि आप अपने किसी स्किन एक्सपर्ट से सजेशन लीजिए, ताकि वो प्रॉपर टॉपिकल वगैरह आपको प्रिस्क्राइब करें, जिससे ये आपकी समस्या दूर हो जाए। ये जो भी समस्याएं आज हम डिस्कस करेंगे, ये समस्याएं आपकी 2, 3, 4 महीने तक ही रहेंगी, ये आपको हमेशा नहीं रहेंगी, तो इनके लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी समस्या जो कि बहुत कॉमन है और ज़्यादातर पेशेंट्स में देखने के लिए मिल रही है, ये है स्किन का एक्सेसिव ड्राई हो जाना। दिस इज़ द मोस्ट कॉमनेस्ट सिम्टम जो कि हम 90% पेशेंट्स में देख रहे हैं कोविड के दौरान और कोविड के बाद भी। हम सभी जानते हैं कि कोरोना के टाइम में सारी जो भी हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं काफ़ी ड्राई हो जाती हैं, फिर चाहे वो बार बार गला सूखता है, लिप्स बार बार ड्राई होते हैं। तो इस टाइम पे आपको अपना वाटर इनटेक इंक्रीज करके रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा खुद को आपको हाइड्रेटेड रखना है। सेकेंड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपको अपना बाथ ड्यूरेशन कम कर देना है। जितना ज़्यादा टाइम आप वाटर के कांटेक्ट में रहेंगे, इतना ज़्यादा टाइम आप अपना मॉइस्चर, आपकी बॉडी मॉइस्चर खोती रहेगी। दूसरा जो एक और है, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, आप कोई भी जो बॉडी वॉश यूज़ करते हैं वो सोप फ्री यूज़ करें, जैसे कि सीबामेट क्लींजिंग बॉडी वॉश है, या फिर FCT का ओट मिल्क सोप आता है, या कोई भी ऐसा बॉडी वॉश जो सोप फ्री हो, जिसका pH कम हो। वो जब आप बाथिंग के लिए यूज़ करेंगे तो आपकी बॉडी से ज़्यादा मॉइस्चर का लॉस नहीं होगा, तो आपको ज़्यादा ड्राइनेस फील नहीं होगी। अगेन आफ्टर बाथ आपको कोई थिक मॉइस्चराइज़र का एप्लीकेशन करना है, और उसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने कोई थिक मॉइस्चराइज़र, जैसे मैंने बताया कि ओराइज़ा है, सेटाफिल है, बॉडी डर्म, मोटोडर्मा के मॉइस्चराइज़र्स काफ़ी अच्छे होते हैं, ये आपने यूज़ किया, लेकिन 3-4 घंटे बाद पेशेंट को फिर एक्सेसिव ड्राइनेस फील होती है, तो उनको फिर से रीअप्लीकेशन करना होता है। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई करो और देन 15-20 मिनट बाद कोकोनट ऑयल या सीसम सीड ऑयल से उसको लॉक कर दो, यानी कि रीअप्लीकेशन इनका कर लीजिए, ताकि आपको बार बार होने वाली ड्राइनेस से छुटकारा मिल जाएगा, तो आपको दिन भर रीअप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट स्किन प्रॉब्लम हमको देखने के लिए मिली है पेशेंट्स में, वो है स्किन का टैन हो जाना। बहुत सारे लोग इसको अभी इजीली फाइंड आउट भी नहीं कर पा रहे हैं। लोगों को लगता है कि मे बी बिकॉज बीमारी के कारण या और किसी रीज़न से उनका कॉम्प्लेक्शन डाउन हो गया है या और कोई चीज़ें हैं, बट येस, दिस इज़ ऑल्सो सिम्टम ऑफ कोविड-19 और वी कैन से साइड इफ़ेक्ट ऑफ कोविड-19। लेकिन ये प्रॉब्लम अपने आप 3 से 4 महीने में डिसअपियर हो जाएगी, लेकिन फिर भी मेन वाइल आपको अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करते रहना है किसी नॉर्मल स्क्रब से। अगर आप नॉर्मल स्क्रब से एक्सफोलिएट नहीं कर सकते हैं, तो घर में ही ओट से या जो नॉर्मल सेमोलिना होती है, इससे भी रिलेटेड स्क्रब करके आप अपनी स्किन को एक्सफोलिएट कर सकते हैं। एक्सफोलिएट करने के बाद वापस आपको मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा कि हर प्रॉब्लम में एक सॉल्यूशन मॉइस्चराइजेशन है ही। तो किसी भी टाइप की स्किन प्रॉब्लम हो रही है कोविड में, आपको थिक मॉइस्चराइज़र का एप्लीकेशन हम बार बार रिकमेंड करते हैं। इसके बाद मॉइस्चराइज़र एप्लीकेशन के बाद जिनको स्किन टैनिंग के इश्यूज़ हो रहे हैं, वो हैवी सन ब्लॉक का यूज़ करें, क्योंकि अभी समर्स का सीज़न है तो काफ़ी सनी हो रहा है वेदर। घर में है तो भी हैवी सन ब्लॉक का यूज़ करना है। सन ब्लॉक कौन सा यूज़ करें, तो उसके लिए आप शेडो यूज़ कर सकते हैं, सन क्रॉस यूज़ कर सकते हैं, यूवी डॉक्स यूज़ कर सकते हैं, कोई भी अच्छा स्किन के अकॉर्डिंग, ऑयली स्किन वाले जेड ब्लॉक वगैरह अपने स्किन के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, कोई भी अच्छा सनस्क्रीन।
तो अगेन आपको हैवी सनस्क्रीन का भी यूज़ करना है। ये टैनिंग आपकी 3 से 4 महीने में धीरे धीरे करके डिसअपियर होने लग जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये उन लोगों के लिए है जो COVID-19 से अफेक्ट हुए हैं और उन लोगों के लिए भी है जिनको कोरोना नहीं हुआ है बट स्टिल दे आर वियरिंग मास्क। अभी हर कोई मास्क पहन रहा है तो मास्क के यूज़ के कारण हमेशा, चूँकि बहुत सारे लोग फ्रिक्वेंटली मास्क को चेंज नहीं करते, उसी मास्क को बार बार यूज़ करते हैं या मास्क को किसी भी सरफेस पे रखा फिर अपने फेस पे ले लिया, प्रोलॉन्ग यूज़ है आपका मास्क का और स्किन का कांटेक्ट लगातार लंबे समय तक बना हुआ है, उसके चलते लोगों में बहुत ज़्यादा एक्ने की प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है, पिम्पल बार बार हो रहे हैं लोगों को। तो अगर आपका पिम्पल बिग साइज़ का है, रेड पेप्यूल है यानी कि लाल दाना दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले मैं सजेस्ट करूँगी उस पर आप आइसिंग करिए, क्यूरिएक करके लोशन आता है वो अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कोई भी फेस वॉश जो कि सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड कंटेन करता है वो आप फेस वॉश का यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा बेस्ड या वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगाइए, क्योंकि मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है पिंपल वाले पेशेंट्स के लिए भी, और कोरोना के टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोरोना में एक्ने भी देखने के लिए मिल रहा है, एट द सेम टाइम ड्राइनेस भी देखने के लिए मिल रही है। अगर पिंपल्स ऐसे हैं कि नोड्यूल बना हुआ है या सिस्ट बना हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में बेटर है आप खुद से कोई मेडिकेशन ना करें, किसी स्किन एक्सपर्ट की सलाह लें, और हो सकता है कि एंटीबायोटिक वगैरह पे वो आपको रखें, तो इस प्रॉब्लम को भी धीरे धीरे आप ठीक कर लेंगे। ये तो बातें हुई स्किन की। इसके बाद जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अभी हम देख रहे हैं कि कोरोना हुए पेशेंट्स को 2 महीने 3 महीने हो चुके हैं लेकिन सीवियर हेयर फॉल की प्रॉब्लम लोगों को हो रही है, जो अभी 14-15 दिन जस्ट हुआ है उनको कोरोना हुए उनको भी, और जिनको 2-3-4 महीने हो चुके हैं उनको भी सीवियर हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है। तो इस कंडीशन को हम टेलुजन इफ्लूवियम कहते हैं, जो कि कई बार हमको देखने के लिए मिल रहा है कि कोरोना में बहुत सारे लोगों का वेट लॉस हुआ है, कई सारे लोग स्ट्रांग मेडिकेशन पे रहे हैं, कई सारे लोग मेंटल ट्रॉमा से गुजरे हैं, बहुत स्ट्रेस से गुजरे हैं, तो यही सारे रीज़न होते हैं टेलुजन एफ्लुवियम के। टेलुजन एफ्लुवियम का बहुत शाब्दिक सा अर्थ है कि फॉलिंग फेज का बढ़ जाना। हेयर की 3 फेजेज होती हैं, ग्रोइंग, रेस्टिंग और फॉलिंग। तो फॉलिंग फेज जिसको हम मेडिकल टर्म में टेलोजन कहते हैं, जब वो बढ़ जाती है तो इस कंडीशन को टेलोजन एफ्लुवियम कहा जाता है। इसके कारण वही हैं जो मैंने अभी आपको बताया, स्ट्रेसफुल कंडीशंस, मेंटल ट्रॉमा, वेट लूज करना, स्ट्रांग मेडिकेशन पे रहना, कई बार थायराइड वगैरह के पेशेंट्स में भी ये देखने के लिए हमको मिलता है। तो पहले तो आप अपना डाइट अच्छा करें, अपना न्यूट्रिशन अच्छा करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने की कोशिश करें। तो मोस्टली लोगों में 3 से 4 महीने में जो हेयर्स गए हैं वो अपने आप से रीग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। बट इफ़ यू आर फीलिंग लाइक कि अभी आपका बाल वापस नहीं आ रहा है, डेंसिटी आप लूज़ करते जा रहे हैं, तो अगेन आप किसी डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं और ये समस्या आपकी अगले 3-4 महीने में अपने आप रिजॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा स्किन प्रॉब्लम हो, हेयर प्रॉब्लम हो या ऐसे भी, बहुत ध्यान रखना है कि आपको कोरोना से रिलेटेड, कोरोना रिकवरी के लिए डाइट लेनी है जिसमें आपका प्रोटीन इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए। इस टाइम पे आपको कैलोरी डेंस फूड लेने हैं, वो फूड जिसमें अच्छी कैलोरी होती हैं, जैसे कि होल व्हीट है, ओट है, ब्राउन राइस है, स्वीट पोटैटो है, एम्प्टी कैलोरी लाइक जंक फूड आपको बिल्कुल भी अवॉइड करना है। विटामिन सी से रिच फूड लेना है, जिंक से रिच फूड लेना है। अगर जो लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं वो लोग एग वगैरह खा सकते हैं, अभी बाहर से कुछ भी फ्लैशी चीज़ें अवॉइड करें तो बेटर होगा। वेजिटेबल्स लीजिए, जितना भी फ्रूट हो सकता है फ्रूट का इंटेक रखिए, प्रोटीन रिच डाइट रखिए। जितना आप कोरोना से रिलेटेड रिकवरी मोड पे, कोरोना के बाद रिकवरी मोड पे आते जाएंगे, उतना ज़्यादा आपका स्किन और हेयर भी बेटर होता जाएगा। थैंक यू सो मच, अगली बार फिर से किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।